मेरे प्यारे मसी भाई और बहनों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, किसी के घरों में पैसों की प्रॉब्लम है, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, कोई कर्ज से परेशान है, तो आप लोग इन वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम प्रभु के वचन को लेकर आए हैं। अगर आप इन वचनों से प्रार्थना करें और इन वचनों को हमेशा याद रखें और इन वचनों का अंगीकार करें, तो आप अपने जीवन को बदलते हुए देख पाएंगे। आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में कोई चीज की कमी ना रहेगी, क्योंकि प्रभु का ये वचन है और प्रभु का वचन झूठ नहीं बोलता। प्रभु का वचन अटल है और आप लोग इन वचनों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रभु का पहला वचन है भजन संहिता अध्याय 37 पद संख्या 34। यहोवा की वाट जोता रहा और उसके मार्ग पर बना रहा, वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहोवा की वाट जोते रहेंगे तो हमको प्रभु पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। हमारे जीवन में कोई कमी ना रहेगी, क्योंकि प्रभु हमको इतना आगे लेके जाएगा, हमारे जीवन में कुछ भी चीज की कमी ना रहेगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस समय में अगर आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना चल रही हो, लेकिन आप प्रभु पे भरोसा रखें, उसकी बाट जोते रहे, उसके वचनों पर चलते रहे, कोई भी पाप नहीं करे, तो आप अपने जीवन में प्रभु की महिमा को देख पाएंगे और अपने जीवन को बदलते हुए देख पाएंगे। आपके जीवन में कोई घटी कमी ना रहेगी, क्योंकि जो प्रभु की बाट जोते हैं, प्रभु उनको कोई चीज की कमी होने नहीं देता, उनकी सारी चीजों की पूर्ति करता है, उनको हर एक चीजों की जरूरत, जो भी उनकी जरूरतें हैं, प्रभु उन सारी चीजों को पूरी करता है, क्योंकि प्रभु उनके मन को देखता है और उनके फीलिंग को भी समझता है, उनको जो चीज चाहिए प्रभु उनको ला के देता है। तो आप लोग प्रभु की बाट जोते रहिए, आपको एक ना एक दिन अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। प्रभु पे विश्वास करें और उसके वचनों पर सच्चाई के रास्ते पर चलते रहें। दूसरा वचन है अय्यूब अध्याय 8 पद संख्या 7। तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि तुम्हारी पिछली दशा साधारण लगेगी। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज अगर आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना चल रही हो, कर्जे से परेशान है, आपको जॉब नहीं मिल रहा, घरों में पैसों की दिक्कत है, तो आप लोग कोई चिंता नहीं करें, यहोवा पे विश्वास रखें, क्योंकि प्रभु हमारा भविष्य को इतना उज्जवल करेगा कि हमारी ये पिछली दशा, जो अभी ये दशा चल रही है, ये हमको उस टाइम साधारण सी लगेगी। हमें यकीन नहीं होगा कि हम इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए, यहोवा हमें इतनी ऊंचाई तक लेके जाएगा। तो आप लोग कोई भी चिंता नहीं करें, प्रभु पे विश्वास रखें, प्रभु के वचनों पर, प्रभु के रास्ते पर हमेशा सच्चाई से चलते रहें। अगला वचन है यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। प्रभु क्या कहते हैं कि हमको प्रभु के वचनों पर बने रहना है। जिस तरह से अगर डाली पेड़ में बनी ना रहे तो फल ला नहीं सकती, वैसे ही अगर हम प्रभु के वचनों पर, प्रभु के रास्ते पर नहीं चले, तो हमारे जीवन में कोई भी फल देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम अपने जीवन में कोई भी फल पाना चाहते हैं, नई ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, बड़े काम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, प्रभु की महिमा को देखना चाहते हैं, तो हमको प्रभु के वचनों पर बने रहना है, उनके रास्तों पर चलना है, तभी आप अपने जीवन में प्रभु के फलों को देख पाएंगे, अपने जीवन को एक ऊंचाई पर जाते हुए देख पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग प्रभु के वचनों पर हमेशा हमेशा चलते रहें और उन पे विश्वास करें, क्योंकि हमें कोई ऊंचाई तक नहीं लेके जा सकता, क्योंकि प्रभु के अलावा इस संसार में कोई नहीं है जो हमें ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। वही हमारे सारे कार्य को सफल करता है। हम केवल सोचते हैं, लेकिन प्रभु ही हमारे उन कार्य को करता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोग प्रभु पे भरोसा रखें और उनके वचनों पर हमेशा चलते रहें। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम प्रभु के वचनों को लेकर आते रहते हैं। तो चलिए, हम आप लोगों को अगले नए वीडियो में मिलते हैं। सबों को जय मसीह की।